अस्सलाम वालेकुम जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट और सक्सेस कोच, एक नई वीडियो में आपके साथ। आज हमारा टॉपिक है सर, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्टॉक मार्केट। अच्छा, स्टॉक मार्केट को पहली बात तो लोग बिजनेस नहीं समझते। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये बिजनेस है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई आप कोई लॉटरी खरीद रहे हैं, ये नहीं है, ये एक बिजनेस है। तो इससे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। अब मेरा सवाल ये है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं। अक्सर लोग जिन्होंने कभी कारोबार ना किया हो वो ये समझते हैं कि 100 रुपए की सेल अगर हो रही है तो उसमें 100 रुपए ही मुनाफा है, या 60 या 70 या 80 रुपए मुनाफा है। ऐसा नहीं होता। 100 रुपए की सेल में 5 रुपए 6 रुपए मुनाफा होता है। और सालाना तौर पर जो लोग बिजनेस रन कर रहे हैं, जिन्होंने अरबों रुपए की फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, करोड़ों की फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, वो 15% कमाता है, वो 20% कमाता है, वो 30% कमाता है। तो रियलिस्टिक रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10 से 30% के करीब फ्लक्चुएट आम करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अच्छे हाथ नहीं लगते या अच्छे बेनिफिट, कई दफ़ा बहुत ज़्यादा गेंस नहीं आती। कभी कभी बहुत अच्छे गेंस आ जाते हैं, कभी कभी आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सक्सेस अचीव कर लेते हैं, लेकिन ये रूटीन में ऐसा नहीं होता। तो आप पहली बात ये अपनी होप्स को रियलिस्टिक रखें। और इस ये बिज़नेस है, इसमें नफ़ा भी है, इसमें नुकसान भी है। हाँ, इसमें बच के चला जा सकता है, इसमें नुकसानात को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, मुनाफ़े को बढ़ाया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी लॉसेस की घटाई जा सकती है। जितनी समझ बूझ आप बढ़ाएंगे उसके मुताबिक, आप जितने अच्छे फैसले टाइमली लेंगे आप उतना इसमें कामयाब होंगे। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ आएँ, आराम आराम से आएँ, आहिस्ता आहिस्ता आएँ। इसमें ज़्यादातर लोग आपको इलोर करते हैं, मैं आप लोगों को इलोर नहीं करता। मेरा बार बार हर वीडियो में जुमला देखें, 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा पैसे जिसके पास हैं वो स्टॉक मार्केट में ज़रूर आए और 1 लाख से स्टार्ट लें। और मैं नॉर्मली लोगों को कहता हूँ कि अगर आप अमीर भी हैं तो 2 महीने 3 महीने की अपनी जो सैलरी है उससे ज़्यादा से स्टार्ट मत लें। इसको बिज़नेस समझ कर आएँ, इसको रियलिस्टिकली एनालाइज़ करें, इसमें चंद माह काम करके देखें, और अगर आपको लगे कि ये इस काम में आप फ़ायदा उठा सकते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अपना सरमाया बढ़ाएं। अगर आपको इसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा लग रहा है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप इसको बिल्कुल बेचकर और इस मार्केट से निकल जाएं। तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है कि जो लोग मार्केट में आएँ वो पैसा कमाएँ, वो इस काम को समझें। और मेरी नॉलेज हमेशा एजुकेशन, मेरा ज़ोर हमेशा एजुकेशन फैलाने पर होता है, नॉलेज लेने पर होता है। मैं ये कहता हूँ कि इस काम को समझें ज़रूर। अब समझने के बाद आपने कितना पैसा इसमें लगाना है ये आपने ख़ुद डिसाइड करना है, ये आपने ख़ुद अपना रिस्क फैक्टर देखना है। तो एक बड़ा अच्छा बिज़नेस है, मैं आज भी यही कहूँगा कि इसको समझना चाहिए, लेकिन इसको लिमिट्स में करें, बहुत ज़्यादा ग्रीडी ना हो जाएं, जिसे कहते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत लगाएं, और बहुत ज़्यादा लोगों पर डिपेंड ना करें। आप पूछें ज़रूर, समझें ज़रूर, सीखें ज़रूर, किताबें पढ़ें, वीडियोस देखें, मार्केट को समझें, लेकिन ख़ुद फैसला करने के काबिल हो। बैलेंस शीट पढ़ना सीखना चाहते हैं, ख़ुद सीखें, वीडियोस अवेलेबल हैं उन पर सीखें। कोई आपके इर्द गिर्द कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई CA, कोई CCA का स्टूडेंट है, आप उसके साथ कोई टाइम बना लें, उससे आप ट्यूशन ले लें, फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो करना सीखें। कोई पॉइंट्स आपने ऐसे सीखने हो, मैं 1-on-1 सेशंस दे देता हूँ कलेक्टिवली, वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, और बहुत से लोग सिखा रहे हैं, लेकिन अपने अंदर अहलियत पैदा करें अपने पैसे को संभालने की। दूसरों से उम्मीद ना रखें कि वो पैसा कमा कर आपके घर भेजेंगे, ताकि आप और एक कैलकुलेटेड रिस्क लें। बिल्कुल भी आँखें बंद कर मार्केट में मत कूद जाएँ अपने सारे सरमाए को लेके, तो फिर आपको वरना मायूसी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने सीखा होगा, समझा होगा। आज की वीडियो पे जोर एक ही चीज़ पे, रियलिस्टिक रेट ऑफ रिटर्न। इट्स अ बिजनेस, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको एकदम ओवरनाइट कोई क्विक रिच फार्मूला नहीं है। इट्स अ बिजनेस, इसको आराम से करें, सोचें, समझें, देखें, और इंशाल्लाह ताला आप बहुत पैसे कमाएंगे, अल्लाह बहुत बेहतर करेगा। और अगर किसी वजह से किसी को सूट नहीं करता, वो समझने के बाद अगर कंफर्टेबल नहीं है, तो उसको एक दिन में इसमें से तो एग्जिट हो सकता है, अपने शेयर सारे बेचें और इसमें से बाहर आ जाए। तो इंशाल्लाह आपके साथ फिर एक और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। बेल आइकन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, इससे पता नहीं किस किस का फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।